हेलो एरी वन वेलकम टू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस आई एम रमेश निशाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास ट्वेल्व सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन थ्री डीप वाटर इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी समरी ऑफ द लेसन सो लेट्स स्टार्ट डीप वाटर मीन्स गहरा पानी ये लिखा गया है विलियम डगलस के द्वारा और ये जो स्टोरी है ये विलियम डगलस की ही एक लाइफ के इवेंट है इस लेन के माध्यम से ये बताते हैं कि कैसे और किस तरह से इनके अंदर फ़ियर ऑफ वाटर यानी पानी का भय प्रवेश करता है और कैसे और किस तरह से इन्होंने पानी के भय को यानी फ़ियर ऑफ वाटर को ख़त्म किया तब ये बताते हैं कि जब ये लगभग 10 से 11 वर्ष की थी तब इनको पानी से काफ़ी भय लगता था इनकी जो माँ है वो बार बार इनको एक तरह से वार्न करती है कि ये याकीमा रिवर पे ना जाए क्योंकि याकीमा रिवर उस समय काफ़ी पॉपुलर थी और वहाँ पे ढेर सारी घटनाएं घटी हुई थी तब इनकी जो माँ है वो एक तरह से सजेस्ट करती है कि वो वाई के पुल पर जाए और वो वहाँ पे तैराकी करे जो राइटर है वो बताते हैं कि इन्हें पानी से काफ़ी डर लगता था पानी से काफ़ी भयभीत रहते थे ये पानी के डर की वजह से ये पानी से काफ़ी दूर रहते थे यानी कभी पुल पे नहीं जा पाते थे झील पे नहीं जा पाते थे और इस तरह से वो बताते हैं अब ये अपनी पिछली घटना को बताते हैं कि ये भय का प्रवेश कब हुआ और कैसे हुआ तब ये बताते हैं कि जब ये लगभग तीन से चार वर्ष के थे तब इनके जो पिताजी हैं वो कैलिफोर्निया के बीच पर लेकर के गए हुए थे अब जब ये यहाँ गए हुए थे जैसे कि यह कैलिफोर्निया का एक बीच है तब एक वेव आती है एक लहर आती है और उस लहर के अंदर ये नीचे दब जाते हैं और जो लहर है इनके ऊपर से होकर के चली जाती है उस समय काफ़ी भयभीत हो जाते हैं इन्हें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और ये उस समय फियर ऑफ डेथ यानी मृत्यु के भय को इन्होंने फील किया था अपनी लाइफ में पहली बार और जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ये घटना घटती है और इस समय से लेकर के वो तब तक काफ़ी डरते हैं और इसी वजह से वो काफ़ी डरे हुए थे अब उसी डर को वो ख़त्म करना चाह रहे थे और इसीलिए इन्होंने वाई पुल जाना स्टार्ट किया वाई पुल जब ये जाना स्टार्ट की तब इनका जो डर था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था पानी और इनके बीच की जो दोस्ती है वो बढ़ने लगी थी इन्होंने कुछ विंग्स भी ख़रीदे थे वाटर विंग्स भी खरीदे थे ताकि वो तैरने में आसानी हो यानी जब सीखने के लिए वाटर विंग्स का यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहता है अब इनके कोई दोस्त भी हो गए थे कुछ दोस्त भी हो गए थे तो उनके साथ वो तैरना स्टार्ट किए थे अब ऐसा करते करते इन्हें दो से तीन दिन हुए हुए थे अब एक दिन क्या होता है कि ये जो है वाई पुल के किनारे पे वेट कर रहे होते हैं ताकि इनके जो फ्रेंड्स हैं वो आएंगे तो ये तैरना स्टार्ट करेंगे बट होता क्या है कि एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी वो हट्टा कट्टा था फिज़िकली फिट था उसके चेस्ट पे बाल थे अब वो लड़का था एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो बदमाश था उसने क्या किया उसने एक मज़ाक किया अरे पतलू तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा ऐसा कहते हुए उसने क्या किया उसने राइटर को उठाया और उठा करके इस पुल में डाल दिए अब जब पुल में डाल दिया गया तब जो राइटर है वो बताते हैं कि जो पुल था उसका एक साइड दो से तीन फिट की गहराई थी और दूसरे साइड नौ फिट की गहराई थी अब जब उन्हें डाला गया तब वो बताते हैं कि जब मैं नीचे की ओर जा रहा था पानी में नीचे डुबकी लगा रहा था नीचे जा रहा था तब मैं उतना ज़्यादा भयभीत नहीं हुआ मुझे भय तो लगा था बट उतना ज़्यादा नहीं लगा था और मैं प्लान करने लगा कि मैं जैसे ही नीचे तली में जाऊँगा मैं अपने पैरों से ज़ोर से उछाल मारूँगा और मैं ऊपर कारक की भांति ऊपर आ जाऊँगा और ऐसा करते करते मैं किनारे पर आ जाऊँगा बट हुआ कुछ और जब वो नीचे जा रहे थे तो उन्हें काफ़ी गहराई लग रही थी यानी जो 9 फीट की गहराई थी वो 90 फीट की गहराई लग रही थी और वो बहुत ही आराम से धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे थे जब वो नीचे धीरे धीरे जा रहे थे नीचे धीरे, धीरे धीरे जा रहे थे तो उन्हें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी उनका जो सांस था वो भर गया था और वो इस तरह से वो सोचे कि जैसे वो तले पे जाएंगे उछाल मारेंगे उन्होंने वैसे ही किया बट वो अलग ही हुआ मीन्स वो बहुत ही धीरे धीरे फिर से ऊपर जाने लगे लेकिन वो कार के की भांति आसानी से ऊपर नहीं आए सो इस तरह से वो काफ़ी थक जाते हैं अब उन्हें सिर्फ पीला पीला ही नज़र आने लगता है मीन्स जो पानी था वो पीला पीला नजर आने लगता है वो काफ़ी थक जाते हैं अपना हाथ पैर ये सारी चीज़ें वो बहुत यूज़ करते हैं अपने हाथों और पैरों का वो थक जाते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो फिर से नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं ऐसा ऐसा तीन बार ये जो घटना है वो घटी लेकिन वो काफ़ी थक जाते हैं लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था कि वो आसानी से बाहर आ जाएंगे किनारे पे आ जाएंगे वो ऐसा नहीं होता है और वो काफ़ी थक जाते हैं वो बताते हैं कि मैंने आवाज आवाज़ लगाई मैंने अपना हाथ पैर हिलाया ताकि लोग मेरी मदद करेंगे बट लोगों ने सुना ही नहीं आवाज़ ही नहीं सुनी और लोगों ने इस तरह से उन्होंने मदद भी नहीं की अब ये काफ़ी थक चुके थे फिजिकली अब इनके माइंड में एक तरह से कालापन छा गया था अब इनकी जो हिम्मत थी वो काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी हिम्मत हार गए थे अब ये बताते हैं कि मैं अनकॉन्सियस होने लगा था तो मुझे कामनेस फील होने लगा था और मैं एक तरह से एक शांत को शांति को फील करने लगा था ये बताते हैं कि जो शांति है वो डेथ के बाद है यानी मृत्यु के बाद है शांति और उस समय ये कामनेस को फ़ील कर रहे थे और इस तरह से वो अनकॉन्स हो जाते हैं बाद में कुछ समय बाद जब इनकी होश होसा, होश आती है तब ये बताते हैं कि ये पेट के बल पड़े हुए थे यानी किनारे पे पेट के बल पड़े हुए थे और वॉमिटिंग कर रहे थे अब जो लड़का था जिन्होंने फीका था वो कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया मैं तो बस मजाक ही कर रहा था और इस तरह से कई घंटों तक इन्होंने रेस्ट लिए और रेस्ट लेने के बाद ये पैदल चलते हुए घर गए जब ये घर गए तो उस रात उन्होंने खाना भी नहीं खाया और खाना ना खाने के साथ साथ वो फिर से भयभीत हो गए थे यानी उन्होंने फियर ऑफ डेथ को एक बार फिर से फील किया अपनी लाइफ में और इस तरह से उनके अंदर फिर से फियर ऑफ वाटर का प्रवेश हो गया अब वो पानी से काफ़ी डरने लग गए जब अपने फ्रेंड्स के साथ ये कहीं पे जाते थे लेक पे जाते थे पुल पे जाते थे या फिर और कहीं पे जाते थे तो इन्हें फियर ऑफ वाटर फिर से आ जाता था जिसकी वजह से ये स्विमिंग नहीं कर पाते थे बोटिंग नहीं कर पाते थे यहाँ तक कि फ़िशिंग भी नहीं कर पाते थे सो इन्हें ढेर सारी समस्याएं आने लगती थी सो ये अपने अंदर के भय को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए थे कई सालों बाद अक्टूबर का जब महीना आया इन्होंने निश्चय किया कि ये फिर से अपने फियर ऑफ वाटर को पूरी तरह तरीके से वो खत्म करेंगे अब इन्होंने क्या किया एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिए और जो इंस्ट्रक्टर था वो उन्होंने इन्हें इंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया वो क्या करते थे कि पुल पे जाते थे पुल में जाने के बाद जो रोप रहता था पहले अपने वेस्ट पे एक बेल्ट बांध देते थे और बेल्ट को एक रोप से अटैच कर देते थे रोप का जो एक सिरा रहता था वो इंस्ट्रक्टर रखे रहते थे और एक सिरे से जो बेल्ट था वो अटैच रहता था सो इस तरह से जो इंस्ट्रक्टर है वो बताते थे कि कैसे तैराकी करें कैसे कीकिंग करें ताकि वो अपने पैरों को अपने पैरों को पानी पे चला सके अपने हाथों का यूज़ कैसे करेंगे पानी में कैसे इन्ेल करना है कैसे एक्सहेल करना है यानी कैसे ब्रीथ इन करना है कैसे ब्रीथ आउट करना है तो वो सारी छोटी छोटी तरीके तौर तरीके वो बताते थे ताकि वो लंबे समय तक पानी पे तैर सके अपने फियर ऑफ वाटर को खत्म कर सके अब जो राइटर है वो बताते हैं कि अपने अंदर के भय को ख़त्म करने के लिए मैं रोज़ प्रयास करने लगा रोज जाता था और जो इंस्ट्रक्टर है वो इंस्ट्रक्ट करते गए अब आगे क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्टर था इंस्ट्रक्टर का काम तो पूरा हो गया था बट मेरा नहीं हुआ था इट मीन्स इंस्ट्रक्टर ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था बट मैं अपने अंदर के जो भय था उसको ख़त्म नहीं किया था और इस तरह से ये बताते हैं कि जब ये तैनात सीख गए थे फिर भी इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था तब ये विभिन्न तरह के झीलों में जाते थे लेक में जाते थे सरोवर में जाते थे नदियों में जाते थे ताकि ये फियर ऑफ वाटर को पूरी तरीके से ख़त्म कर सके एक बार जब ये न्यू हेम्पर के वेंटवर्थ नाम के एक लेक पर गए हुए थे तब ये वेंटवर्थ के बीचों बीच चले गए थे जब ये गए हुए थे तब इनका जो सिर था वो पानी में था और ये उस समय कुछ समय के लिए ये डर गए थे यानी जो पुराना भय था वो फिर से निकल आया था अब जब इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि हे hey ट्रेलर मैं तुमसे डरने वालों में से नहीं हूँ तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और इस तरह से इनका जो भय था पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था और ये आगे बताते हैं कि उसके बाद ये और कई सारे पुल्स में गए लेक्स में गए रिवर्स में गए और इन्होंने अपने अंदर के पूरे डर को टेस्ट करके देखा उनका जो डर था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था इनका मानना था कि जो डर है वो सिर्फ़ हमारे मन में ही रहता है इट मीन्स हमें डर से नहीं डरना चाहिए ये एक बात बताते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट सेल्फ मीन्स हमें जिनसे डरना चाहिए वो स्वयं डर ही है मृत्यु से हमें नहीं डरना चाहिए क्योंकि मृत्यु एक शांत है पीस है मृत्यु के बाद पूरी शांति है क्योंकि इन्होंने फील किया था अपनी लाइफ में कि जो मृत्यु है मृत्यु के बाद केवल शांति ही है पीस ही है और जो भी डर है वो डर में ही है सो so, इस तरह से इन्होंने अपने अंदर के डर को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था सो so, इस लेसन में हमने जाना कि जो राइटर है उनकी लाइफ में कैसे फियर ऑफ वाटर का प्रवेश होता है और कैसे और किस तरह से इन्होंने अपने अंदर के भय को फियर ऑफ़ वाटर को समाप्त किया सो so, इस तरह से ये जो लेसन है समाप्त हुआ आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल देन थैंक यू